देश की सियासत में इन दिनों भगवान भी घिरे हुए हैं, कभी दलित, कभी आर्य तो कभी मुसलमान। यह सियासत का मुद्दा बना रहा है। जहां योगी ने हनुमान जी को दलित बताया तो बुक्कल नवाब कैसे पीछे रहते। एक बार फिर उनके बयान ने सियासत तेज कर दी। देखिए रिपोर्ट। पर हो हनुमान की कृपा, तकदीर का धनी वो नर है। चुनावी मौसम में भगवान हनुमान को लेकर दावों और बयानबाजियों का दौर भी जारी है। योगी आदित्यनाथ की ओर से हनुमान जी को दलित बताए जाने के बाद सियासत तेज हो गई। अब भगवान हनुमान के विवाद में कूदते हुए बीजेपी विधायक ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया। जी हां, बीजेपी विधायक बुक्कल नवाब के हनुमान जी पर दिए गए बयान से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी वाले पहले तय कर ले कि हनुमान जी है क्या। कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार सिंह ने भी कहा कि बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति करती है और बुक्कल नवाब का आया ताजा बयान समाज को बांटने वाला है। समाज को जातियों धर्मों में बांटने की राजनीति यही लोग करते हैं। वहीं कांग्रेस के एमएलएसी दीपक सिंह ने भी कहा कि बीजेपी पहले तय कर ले कि हनुमान जी की जाति क्या है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हनुमान जी सभी के इष्ट देवता है। वो पवन पुत्र हनुमान है और वो हमेशा से सभी के इष्ट थे और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने भी कहा कि मुख्यमंत्री मंत्री सभी हनुमान जी की जाति बताने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री हनुमान को दलित बताते हैं तो उनके एक मंत्री जाट बताते हैं, वहीं अब बुक्कल नवाब उन्हें मुस्लिम बता रहे हैं। अब तो सरकार में ही एकजुटता नहीं दिख रही। आपको बता दें कि बीजेपी के चर्चित विधायक बुक्कल नवाब ने कहा कि हनुमान जी उनके हिसाब से मुसलमान थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान जी हमारे हिसाब से मुसलमान हैं और इसलिए मुसलमानों में जो नाम रखे जाते हैं, यानी कि रहमान, फुरकान, जीशान, अरमान वगैरह जितने भी नाम हैं, ऐसे कम से कम 100 नाम हैं जो हनुमान जी पर ही मिलेंगे, इसलिए हम समझते हैं कि हनुमान जी मुसलमान थे। उन्होंने दलील दी कि हिंदू समुदाय में हनुमान के बाकी नाम नहीं मिलेंगे। हिंदू भाई हनुमान नाम तो रख सकते हैं, लेकिन सुल्तान, अरमान, रहमान नहीं रख सकते। यह हनुमान जी से मिलते जुलते नाम है। हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमजान, फरमान, जीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। करीब करीब उन्हीं से मिलता जुलता हमारे हिंदू भाइयों के अंदर। आप बताइए कि कितने लोग, मतलब ये है कि कितने नाम हैं जो, मतलब हनुमान जी का डायरेक्ट, हनुमान जी का तो नाम रख सकते हैं कि हनुमान जी प्रसाद जी हैं, सब है, लेकिन ये कि उनसे, उन्हीं से मिलते जुलते नाम रखना, ये जो है सिर्फ इस्लाम में, ये हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ है। भगवान हनुमान की जाति को लेकर हाल में खूब सियासी बयानबाजियां हुई है। लगातार सामने आ रहे बयानों के बीच लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने पूरे मामले पर तंज कसते हुए हनुमान जी को चीनी बता दिया, लेकिन उनके धर्म को लेकर ये पहला बयान आया। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने हनुमान जी को दलित बताया था, इसके बाद भी सियासत गर्मा गई थी। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवान हनुमान को दलित बताने के बाद इस मामले पर सियासत गर्माई और योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित बताया तो केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी हनुमान को आर्य बता दिया। विपक्ष भी इस मामले पर बीजेपी और सीएम योगी पर हमला बोल रही है। दलित और आर्य के बाद अब बजरंग बली को जैन धर्म का बताया गया। जैन धर्म आचार्य निर्भय सागर ने कहा कि हनुमान जी क्षत्रिय थे और उनका संबंध जैन धर्म से था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत और जंग में सब जायज है।
जहां अभी तक श्री राम भगवान के मुद्दे पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही थी, वही अब हनुमान जी को भी सियासत की चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की जा रही है। कोशिश भी ऐसी कि चुनावी मौसम में हनुमान जी सबका बेड़ा पार लगाए। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। सियासी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, राजनेताओं के भीतु के बयान आए दिन सुनने में आते हैं, लेकिन हनुमान जी को लेकर जिस तरह से बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है उसने नेताओं की बयानबाजी को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भगवान राम के परम सेवक हनुमान जी की जाति बताने को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। इस मामले पर भाजपा के साथ अब सपा भी सामने आ गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान जी को दलित कहे जाने के बाद अब योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जाट तो सपा महासचिव ने बजरंगबली को गोंड जात का करार दिया। इस बाबत सभी ने अपने अपने तर्क भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को विधानमंडल सत्र के दौरान एक मंत्री ने पवन पुत्र को अपनी जाति का बताया था। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल चौधरी, आयोग अध्यक्ष नंद किशोर, यूपी मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण और भाजपा एमएलसी बुक्कल नवाब हनुमान जी की जाति और धर्म बता चुके हैं। फिलहाल इन दिनों हनुमान जी को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर है। इसमें कुछ नेता अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ नेता संकेतों में भी बहुत कुछ कहते नजर आते हैं। इसी तरह के एक मामले में यूपी सरकार के एक और मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल रहे। हालांकि उन्होंने हनुमान जी के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि वे राम भक्त के भक्त हैं। अब तक अंजनी नंदन को विविध जाति धर्म का बताने वालों की फेहरिस्त लंबी हो चुकी है। प्रतापगढ़ में मंत्री मोती सिंह के आवास पर उनके पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि हनुमान जी जाट थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाट का मतलब अन्याय का विरोध करना होता है। भगवान राम की पत्नी सीता जी का अपहरण होने पर उन्होंने रावण की लंका जला दी थी। किसी भी स्वभाव से ये पता करते हैं कि ये किसके वंशज होंगे। जैसे वैश्य जाति का हम ये मानते हैं एक वो अग्रसेन के वंशज हैं, क्योंकि अग्रसेन महाराज स्वयं व्यापार करते थे। इसलिए जाट का स्वभाव होता है एक यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें ज़रूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता जी, सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए, तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है। इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी ने हनुमान जी को गोंड जात का बताया है, साथ ही इसका वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर वायरल भी कर दिया। फेसबुक पर बयान वायरल होते ही तरह तरह की टिप्पणी भी शुरू हो गई है। देवरिया के सलेमपुर के पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने फेसबुक पर डाले वीडियो में कहा है कि भगवान को जाति में बांटना धर्म ज्ञानियों के मुंह से शोभा नहीं देता, इसकी हम निंदा करते हैं। भाजपा के धर्म ज्ञानियों ने हनुमान जी को दलित कहा, कुछ लोगों ने मुसलमान कहा और कुछ लोगों ने जाट कहा। उनकी जाति बांटने की होड़ लगी है। रामायण काल में बानरों का अस्तित्व रहा है। हनुमान जी का जन्म गोंडवाना प्रदेश में हुआ था। उस प्रदेश में गोंड जाति का राज्य रहा है, वहाँ हनुमान जी राजा रहे हैं, इसीलिए हनुमान जी गोंड जाति के थे। स्पेशल टेस्ट टोटल न्यूज। भारतीय राजनीति ने क्या रूप ले लिया है, कभी राम मंदिर पर सियासत तो कभी हनुमान जी की जाति पर सियासत। सियासतदाता ना भूल जाते हैं कि जनता सब समझती है। हनुमान भगवान की जाति को लेकर लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। भगवान हनुमान भी अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं किसका और कौन मेरा। नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। दुनिया के संकट हरने वाले हनुमान, भवसागर पार कराने वाले हनुमान, कलयुग में वास करने वाले हनुमान,
भगवान राम के प्यारे हनुमान। हनुमान आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किसका और कौन मेरा। जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से नहीं। भारतीय राजनीति के तथाकथित नेताओं ने हनुमान की जाति पर ही सवाल उठा दिया। हनुमान जी की चिंता भी जायज है, वो भी क्यों ना, जब हनुमान के प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है तो हनुमान जी भला कैसे बचते। हाय रे सियासत, हाय रे राजनीति, जहां इंसान क्या भगवान क्या, सभी को घसीटो, नाम का इस्तेमाल करो, राजनीति में भुगतान करो और कुर्सी लेकर आराम करो। बीजेपी के नेताओं ने अपने विवेक और ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए भगवान हनुमान की जाति का विश्लेषण करने लगे। ये पता कर किसी ने दलित कहा, किसी ने आर्य कहा, तो किसी ने जाट, तो किसी ने मुसलमान बना दिया। जी जो थे वो मुसलमान थे। अब तो हनुमान जी भी कंफ्यूज हो गए हैं। क्या समझाएं नेताओं को, कैसे बताएं नेताओं को कि देश का विकास करो, मेरी जाति में क्या रखा है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि भगवान राम के बाद हनुमान जी की जाति पर चर्चा कब शुरू हुई। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, जिसके बाद अति उत्साह में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अली नहीं चाहिए, हमारे लिए तो बजरंग बली ही काफी। उन्होंने कहा कि हमें SC ST का वोट नहीं चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस को तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। आपको ये अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त होंगे। अब इस बयानबाजी ने जोर पकड़ा, जोर बार पलटवार का, जोर राजनीतिक बयानबाजियों का, जोर बयान के बचाव का। जब बयानबाजियों का दौर चला तो योगी जी ने अपने ज्ञान का पिटारा खोलते हुए हनुमान जी को दलित और आदिवासी बता डाला। बजरंग बली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। फिर क्या था, असली सियासत तो फिर शुरू हुई। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का बचाव कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता हनुमान की जाति की परिभाषा गढ़ रहे थे। वहीं सबसे अचंभित खबर तो यूपी के आगरा से आई, जहां दलित दे रहे थे दुहाई, हनुमान हमारी जात के हैं भाई। ये कहते हुए नारे भी लगाए, बोले दलित पुत्र हनुमान की जय। 5 राज्यों के चुनाव में हनुमान की जाति पर खूब राजनीति हुई और चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में ना रहकर कांग्रेस के पक्ष में रहा। चुनाव तो समाप्त हो गया लेकिन हनुमान जी की जाति पर सियासी बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही है। चलो अब ये भी आ गए जो हनुमान जी को मुसलमान बता रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्री बुक्कल नवाब जी हैं। इनके ज्ञान पे कोई सवाल नहीं उठा सकता भाई, ये तो उसी बीजेपी से हैं जिनके नेताओं को भगवान की जात तक का पता होता है। इन्होंने क्या कहा जरा ये भी तो सुनो, इनके साहित्यिक और तार्किक क्षमता पर संदेह न करना। कहते हैं हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए मुसलमानों के अंदर जो नाम रखा जाता है, रहमान, रमजान, फरमान, जशन, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब उन्हीं पर रखे जाते हैं। हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, ज़ीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। हमने तो सुना था कि नेता जनता की सेवा करते हैं, वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लेकिन भगवान की जाति का निर्धारण कब से करने लगे ये अब पता चला है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में सबका अपना अपना कमाल है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, मुसलमान थे, मुसलमान थे। हनुमान जी आर्य थे, आर्य थे, आर्य थे। तेरी जान है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
चलो अभी तक तो आपने जो भी सुना जाने दो, अब एक वरिष्ठ भाजपाई नेता भी ज्ञान दे रहे हैं जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अधरों को खोला और बोले कि हनुमान तो जाट है। जाट का स्वभाव होता है एक, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें जरूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता जी, सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए, तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही हूँ। हंसिए मत, इनका नाम तो सुनिए, कौन है ये महानुभाव? लक्ष्मी नारायण चौधरी। भला बताओ इनको हनुमान की जात क्यों नहीं पता होगी, इनके नाम में ही एक देवी और देवता विराजमान है। अब तो भगवान के यहाँ मीटिंग भी हो रही होगी कि राम गए, हनुमान गए, अब किसका नंबर है। भारतीय राजनीति में जिस तरह से भगवान के नाम और जाति पर बयानबाजियां हो रही हैं, ये काफी चिंताजनक स्थिति है। इन नेताओं की भाषा और ज्ञान को सुनकर एक शेर याद आता है, मैं बहुत से बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो भगवान हनुमान पर जमकर सियासत हो रही है, मानो हर किसी में हनुमान जी को अपना बताने की होड़ लगी हो। कोई कहता है हनुमान भगवान दलित है, तो कोई कहता है कि हनुमान भगवान मुस्लिम है, तो कोई कहता है कि हनुमान भगवान जाट है। आखिर क्या चाह रहे हैं ये लोग? क्या ऐसे बयानों से भगवान हनुमान की भक्तों को कष्ट नहीं होता? गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधा, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये नाम जपने से सम्मंगल ही मंगल हो जाता है। मंगल को जन्मे मंगलकारी हनुमान के अद्भुत और चमत्कारी नामों हनुमान, अंजनी सु, वायुपुत्र, महाबल और रामेष्ठ से भगवान हनुमान को उनके भक्त पुकारते हैं, जिनके जाप से सारे कष्ट, रोग, पीड़ा और संकट खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सब मंगलमय होता है। अजर अमर है हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके सारे कष्ट संकट मोचन हर लेते हैं। वह महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जी हाँ, यह भी अटल सत्य है, जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। महाबली बजरंग के नामों का उच्चारण करने से कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां पल भर में छुमंतर हो जाती हैं। भगवान हनुमान जी की उपासना अत्यंत प्रभावशाली क्यों मानी जाती है? हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देव माने जाते हैं। माना जाता है हनुमान जी चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित हैं। अपने अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला है। इस वरदान और अपने इष्ट श्री राम की कृपा के कारण हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट हरने में सक्षम हैं। इनकी उपासना तुरंत फलदायी होती है, हर तरह के संकट का नाश होता है। हनुमान जी की उपासना में एक तरीका इनकी 12 नाम के पाठ का भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक कार्य साधक हनुमान भगवान की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत, पिशाच तथा अनिष्टकारी शक्तियां दूर हो जाती हैं। महावीर ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि के प्रदाता की साधना के अनेक रूप प्रचलित हैं।
अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महावीर तत्काल सभी कष्ट हर लेते हैं। लोक देवता के रूप में भगवान हनुमान की भी आराधना की जाती है। साक्षात परमेश्वर रुद्र हैं। हनुमान अष्टमी के साथ ही मंगलवार व शनिवार को उनकी आराधना फलदायी है। जय हनुमान ज्ञान कुंड सागर का पाठ भक्तों को सुख शांति के साथ सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वहीं जिस तरीके से आजकल भगवान हनुमान पर सियासत हो रही है, कोई भगवान हनुमान को दलित बता रहा है तो कोई जाट, तो कोई भगवान हनुमान को मुस्लिम बता रहा है। जिस तरीके से ये लोग भगवान को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और भगवान पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को सोचना होगा कि उनके इस तरीके के बयानों से भगवान हनुमान के भक्तों को कितना कष्ट हो रहा है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू मेरे प्रभु। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।